हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने एक प्रोबेबिलिटी पे एक वीडियो बनाया था कॉइन्स के केस में, और मैंने आपको कॉइन्स की शॉर्ट ट्रिक बताई थी। तो आपने बोला कि सर हमें डाइस की शॉर्ट ट्रिक भी बता दो, लीप के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक बता दो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शॉर्टकट की, यानी शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे, जिससे कि आपको आउटकम्स ना लिखने पड़े, आपके लिखने आंसर सही आए। तो इस वीडियो में आपको अच्छे से पता लग जाएगा। बाकी अगर आपने नहीं देखा है वीडियो, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो ये अपना जो YouTube चैनल है इस पर क्लिक करना, इसकी प्लेलिस्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। और स्क्रॉल करोगे तो मैंने और भी चैप्टर्स के ये शॉर्ट ट्रिक फॉर टर्मेंट 10 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ अभी तक। इसमें आप चेक कर लेना, आपको हर चैप्टर का लीनियर इक्वेशन, चाहे वो प्रोबेबिलिटी तो चलो एक हो ही गया है, ट्रिग्नोमेट्री का, ट्राइंगल का, सबकी शॉर्ट ट्रिक है। इससे आपको काफ़ी टाइम सेव होगा। कई बार तो ऐसा भी होगा 10 मिनट का क्वेश्चन आप सेकेंड्स में कर सकते हो, तो ऐसा भी है, तो आप जरूर देखें। चलिए बात करते हैं डाइस के केस में। डाइस की अगर मैं बात करूं तो सबको पता होना चाहिए डाइस वही जो लूडो खेलते हो वो डाइस रहता है। तो एक डाई की अगर बात करें, ठीक है, सिंगल वर्ड, हम सिंगल वर्ड में डाई लिखते हैं, जब दो डाई हो जाती है तो डाइस बोलते हैं, ठीक है। कई बार बच्चों समझ में आता है डाइस है या डाई, ठीक है। तो एक डाई को थ्रू करते हैं तो आउटकम होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आप जानते होंगे। और अगर दो डाइस को थ्रू करते हैं, ठीक है, तो आउटकम हो जाते हैं 36। यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है डाइस को थ्रो करने में, अगर टोटल नंबर ऑफ आउटकम अगर बोला जाए मुझसे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं बताऊंगा 6n होता है। कितना होता है? 6n। अगर आपने एक डाई थ्रो करी तो 6n, यानी 6 आउटकम थे। अगर मैं दो डाइस को थ्रो करूंगा तो 6n2, यानी 36। अगर तीन डाइस का आ जाए, हालांकि तीन डाइस का क्वेश्चन नहीं आएगा, आउटकम पूछ सकता है, तो 6n3, यानी 216, 216 हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम बात करते हैं दो डाइस की। अब दो डाइस के आउटकम कैसे होंगे? जैसे मेरे पास ये दो डाइस हैं, मैंने थ्रो करा तो पहले में 1 आ गया, दूसरे में भी 1 आ गया, फिर थ्रो करा, पहले में 1 आया, इसमें 2 आया, तो पहले में 1 से रिलेटेड जितने आउटकम है ना सारे लिख देता हूँ। तो 1 1 हो सकता है, फिर 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 1 6 हो सकता है, ठीक है। 1 1 का मतलब है पहली, ये 1 पहली डाइस हो गई और ये 1 दूसरी डाइस का है, ठीक है। फिर क्या हुआ, डाइस थ्रो करी, यहाँ पे 2 आ गया, बाकी में चलो चेंज करके लिख लो, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। सिमिलर आपको 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ठीक है। और फिर हम ऐसे लिखेंगे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो कैसे आउटकम लिखने। फिर ऐसे आएगा 5 1 5 2 5 2 5 3, ठीक है, 5 3 हो जाएगा, 5 4 5 5 5 6। फिर आएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये आ गया। अब होता क्या, बच्चों को दिक्कत ये है कि सर 1 डाई का क्वेश्चन तो आसान होता है, क्योंकि 1 डाई में सिर्फ 6 आउटकम है। अब तुमसे कोई बोले नंबर 1 की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो भाई एक ही नंबर है तो 1/6 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। कोई बोले इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ तो 2 4 6, 3 आउटकम है, 3/6, तो 1 डाई का तो ठीक है, आप कर पाओगे क्वेश्चन। दिक्कत जो आती है वो 2 डाइस में क्या है, एक तो 36 आउटकम है, इनको लिखने में ही आपको 1 मिनट लग जाएगा, मिनिमम बोल रहा हूँ। आप लिखोगे 1 1 1 2 1, उतने में तो आप आंसर निकाल दोगे, जितने में आप आउटकम लिखोगे ना और फिर रिजल्ट देखोगे उतने में तो आंसर निकाल दोगे। अभी मैं बताता हूँ, ठीक है, मैंने बता दिया कि हाँ पता होना चाहिए आउटकम ऐसे लिखते हैं, कोई ट्रिकी ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, कन्फ्यूज करने वाला आ जाए तो उस केस में आउटकम लिख लेना। सिंपल क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आराम से ट्रिक काम करेगी, ठीक है। अब देखो है क्या, अब कई बार ऐसे लैंग्वेज ट्विस्टेड फॉर्म में दे दें और तुम समझ में ना आए तो भैया आउटकम लिख लो, लेकिन हाँ नॉर्मल अगर है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो आप ट्रिक यूज करिए जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्या लिखा है। तो इसलिए आउटकम का पता होना तो जरूरी है। क्वेश्चन है, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ 2 नंबर्स विल बी अ मल्टीपल ऑफ 4। क्या मतलब है, 2 डाइस को फेंका गया, तुम्हें ये बताना है कि जो 2 नंबर आ रहे हैं 2 डाइस पे, उनका जो सम है, उनका जो सम है वो 4 का मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल का मतलब 4 हो सकता है, 8 हो सकता है सम, या फिर 12 हो सकता है, ऐसे सोचना है।
मैं कहीं भी आउटकम नहीं लिखूंगा 36, बिना 36 आउटकम की कोशिश करूंगा। देखो पहले माइंड में क्या लाया कि 4 का मल्टीपल है 4, 8, 12, ठीक है। अब आपको सर 4 का मल्टीपल तो 16 भी है, तो 16 को लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? तो मैं पता होना चाहिए 2 डाइस में 6 और 6 मैक्सिमम सम 12 आ सकता है, तो भैया 12 से ज़्यादा तो वैसे ही नहीं फायदा है, तो इसलिए 3 ही लिखे मैंने। अच्छा अब मुझे इतना पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या पता होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि आपको आउटकम नहीं लिखना है, लेकिन हमें इतना तो पता है कि नीचे 36 आएगा, यस और नो? क्या मुझे इतना तो पता है कि भैया प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो नीचे 36 तो आना ही है, नीचे 36 आना है, ओके वेरी गुड। अब तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें दो नंबर का सम, यानी दो डाइस जो है उनका सम जो है वो 4 का मल्टीपल आए, तो करना क्या, तुम 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख लेना इस तरीके से, ठीक है, ऐसे लिख लिया, चलो बहुत बढ़िया। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 का मतलब है तुमने एक डाइस के आउटकम लिख लिए। चलो दूसरे के दिमाग लगा देते हैं, आप बताओ 1 के साथ ऐसा कौन सा नंबर को ऐड करा जाए, 4 आ जाए, 8 आ जाए, 12 आ जाए, तो 4 आने के लिए क्या 1 के साथ 3 आ सकता है, यस और नो? यानी 1 के साथ 3 आएगा, है कि नहीं? अब 1 के साथ 7 आएगा तो 8 आएगा, लेकिन 7 आ नहीं सकता है, सिमिलर 12 नहीं आ सकता, क्योंकि दूसरी डाइस पे तो भाई मैक्सिमम 6 तक ही जाएगा ना। चलो 2 पे आते हैं, 2 के साथ 2 आ जाएगा, सॉरी 4 लाना है, हाँ 4 लाना है, और 2 के साथ 6 भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि 2 + 6 = 8 हो जाएगा, 6 तक जा सकता है, इसके आगे कोई फायदा नहीं है। 3 के साथ क्या आ सकता है, 3 के साथ अगर मुझे 4 लाना है तो 3 के साथ 1 आ सकता है, यस और नो? 3 के साथ क्या आ सकता है, 1 आ सकता है ना, क्योंकि 4 आ जाएगा। 8 लाना है तो 3 के साथ 5 हो जाएगा, और 12 तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 9 मैक्सिमम रहेगा। 4 के साथ क्या आ सकता है, 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो खुद भूल जाओ, 8 आने के लिए 4 लाना होगा, तो 4.4 हो जाएगा, ठीक है, और 4.6 का कोई फायदा नहीं है। 5 के साथ बात करें तो 5 3 हो जाएगा, 6 की बात करें तो 6 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो गए तुम्हारे कितने आउटकम हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो गए, ठीक है, चेक कर लो सब कोई मिसिंग तो नहीं है, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आउटकम होने चाहिए, एक मिनट, 1, 3 हो गया, ठीक है, 2, 2 हो गया, 2, 6 हो गया, 8 आ गया, अच्छा 6, 2 का 6, 6 भी होगा ना, 12 आना ना, तो यहाँ पे 9 आउटकम्स आते हैं, तो इसका आंसर आएगा 1/4, आई बस में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पूरे 36 आउटकम लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे काम चला सकते हो, ऐसे बस एक माइंड में रख लो, अच्छा 1 के साथ मुझे क्या लाना है, कौन कौन से आउटकम लाने हैं जो 4 के मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने सोचा 4 में तो 4 जा सकता है, 8 या 12 से ज़्यादा तो जा नहीं सकता 12 से, और बस आपने एक डाइस को फिक्स करा, उससे आपने अपने आउटकम्स लिखना शुरू कर दिए, ठीक है, ये बेस्ट तरीका है। अब देखो ये सही है, 2 different dice are tossed together, the probability of product of 2 number on the top dice is 6. अब देखो ये कितना आसान हो जाएगा, नीचे लिख दिया 36, ठीक है, और यहाँ मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। मुझे 2 डाइस का प्रोडक्ट 6 लाना है, तो दूसरा नंबर क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, तभी 6 आएगा। 1 के साथ और किसी का मल्टीप्लाई करने से तो 6 आने वाला है नहीं, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, 3 करोगे तो 6 आ जाएगा प्रोडक्ट, 3 के साथ क्या करोगे, 2 कर दोगे, 4 के साथ तो कभी नहीं आएगा, कोई नंबर ही नहीं आएगा, 5 के साथ कभी कुछ नहीं आएगा, 6 के साथ 1 आ जाएगा, क्योंकि 6 × 1 = 6 होता है, तो 1, 2, 3, 4 कितने आउटकम हो गए, 4, तो 4/36 कितना आंसर आ गया, 1/9, आई बात समझ में? और ये चीज तो माइंड में भी कर सकते हो, वो तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, समझ में आ गया कैसे करने। और देखो 2 डाइस आर थ्रोन वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल सम इज 10। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, नीचे 36 लिख देना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख देना है, सम 10 लाना है, 1 के साथ तो कोई केस ही नहीं बनेगा क्योंकि मैक्सिमम 6 तक जाओगे दूसरी डाइस में, तो 1 और 6 = 7 आते हैं, मैक्सिमम 10 तो होते ही नहीं है। सिमिलर 2 के साथ कोई केस नहीं बनेगा, 3 के साथ भी कोई केस नहीं, क्योंकि 3 में भी मैक्सिमम 6 तक जाओगे तो 3 + 6 = 9 हो पाएगा, 4 में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 में 5 हो जाएगा, और 6 में 4 हो जाएगा, ठीक है, 6, 4, 6, 10 होता है, 5, 5, 10 होता है, 6, 4, 10 होता है, 3 ही केस मिले, तो आंसर आ गया 1/12, सी पार्ट। आया इसमें कैसे करने आंसर, यानी आपको आउटकम नहीं लिखना है, आउटकम लिखोगे टाइम लग जाएगा। 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट फेसेस, डिफरेंट फेसेस का मतलब है
कि एक में अगर वन है तो दूसरे में वन नहीं आ सकता, ठीक है, एक में अगर टू है तो फिर टू नहीं आ सकता, मतलब डिफरेंट, मतलब 1 2 1 3 1 4 ये सारे। तो इस वाले क्वेश्चन को करने की अप्रोच उल्टी रखो, इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच आप उल्टी रखिए। उल्टी का मतलब आपसे बोला है डिफरेंट नहीं आने चाहिए, डिफरेंट वाली प्रोबेबिलिटी बताओ, डिफरेंट वाली, तो आप ये सोचो सेम वाली प्रोबेबिलिटी क्या है। सेम वाली मतलब जिसमें सेम आउटकम आता हो, सेम आउटकम निकालना आसान है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी कि 6 आउटकम है, टोटल 36 होते हैं, ये हो गया 1/6, ठीक है। तो अगर आपने कोई चीज उसके जस्ट अपोजिट निकाल ली है जो तुम्हें फाइंड आउट करना है, तो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगी वो हो जाएगी 1 माइनस और जो भी तुमने निकाला है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 5/6 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपने आउटकम नहीं लिखे। तो होता क्या है, जब भी लगे आपको कि किसी क्वेश्चन में आउटकम ज्यादा है और मैं उसका जस्ट अपोजिट फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो आप अपोजिट फाइंड आउट कर लीजिए। जैसे इसमें बोला था डिफरेंट नंबर चाहिए और तुम्हें पता था यार सेम नंबर का कॉन्सेप्ट ज्यादा आसान है। अब डिफरेंट और सेम जस्ट अपोजिट चीजें हैं तो ये चल जाएगा, जैसे इवन और ऑड जस्ट अपोजिट है, चल जाएगा कौन, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो अगर आपको पता है कि डिफरेंट पूछ रहा है, सेम वाले आउटकम कम होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इसका आउटकम मैं निकाल सकता हूँ, वो निकाल लो, 1 में से माइनस कर दो, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज समझ में आ रही होगी। बाकी एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, ये हमारा एक सीक्रेट फोल्डर है, जो बच्चे क्लास 10th में है और जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए क्या है, फॉर्मूले सारे मैंने एक साथ दे रखे हैं, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, सीबीएसई सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर वो चीज इसमें है, रिविजन ट्रैकर भी है, यानी अब आपको कौन कौन से क्वेश्चन रिवाइज करने हैं वो सारी चीजें, सैंपल पेपर भी है, हर वो चीज जो बच्चे को जरूरत है, ठीक है, आप लोग जरूर इसको ले सकते हैं। कैसे करना है, सिंपल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंस्टाग्राम पर बस मैसेज कर देना आई वॉन्ट सीक्रेट फोल्डर, और इंस्टाग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया, तो इस तरह अब आते हैं लीप ईयर का क्वेश्चन कैसे करते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मली हमारे मंथ पूरे एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बता दूं, 365 डेज को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, क्यों कर रहा हूं 7 से डिवाइड, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो हमें ये पता लग जाए कि कितने बार कौन सा दिन आता है। तो 7 5 35 115 7 2 14, एक रिमाइंडर आ गया। एक रिमाइंडर का क्या मतलब है, ये मैंने नॉन लीप ईयर लिया, क्या लिया है, नॉन लीप ईयर, क्योंकि नॉन लीप ईयर में 365 डेज लेते हैं, तो यहाँ पे तुम्हारे पास वन डे एक्स्ट्रा है। वन डे एक्स्ट्रा का क्या मतलब है समझना, ठीक है, और लीप ईयर का मतलब होता है लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, तो यहाँ पे 2 डेज एक्स्ट्रा हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक रिमाइंडर आया, अगर मैं 366 कर दूंगा तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा, तो 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे 365 डेज होते हैं नॉन लीप ईयर में। अच्छा जी, तो आप मुझे बताओ, जब 365 डेज है, एक दिन एक्स्ट्रा है, एक दिन का मतलब ये है, इस 52 का क्या मतलब है, इस 52 का मतलब है कि संडे भी 52 टाइम्स आएगा, मंडे भी 52 टाइम्स आएगा, और जो भी है, मतलब मंडे ट्यूजडे वेनेसडे 7 दिन है, 52 बार आएंगे, 52 टाइम्स आएंगे, ठीक है। एक दिन जो एक्स्ट्रा होगा उसमें हो सकता मंडे आ जाए, हो सकता ट्यूजडे आ जाए, हो सकता वेनेसडे, मतलब कुछ भी आ सकता, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा है ये पता होना चाहिए, इसमें भी। अगर 2 दिन एक्स्ट्रा है, मतलब 52, अगर मैं मेरे पास 366 डेज हैं तो 52 तो इसमें भी आएंगे, मतलब 52 मंडे, 52 संडे, 52, मतलब सारी चीजें आएंगी, लेकिन जो 2 दिन एक्स्ट्रा हैं उसमें क्या क्या हो सकता है समझना। संडे सैटरडे संडे हो सकता है, संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूजडे हो सकता है, ट्यूजडे वेनेसडे हो सकता है, वेनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, 7 केस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पॉसिबिलिटी है डेज के आने की। हो सकता है 2 दिन में संडे सैटरडे संडे आ जाए, संडे मंडे आ सकता है, या फिर मंडे ट्यूजडे आ सकता है, मतलब ये 2 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा, तो ऐसी पॉसिबिलिटी दिखती है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक हिस्से बन सकता है और एक हिस्से बन सकता है, क्या है क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन लीप ईयर, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए नॉन लीप ईयर में हमारे पास सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा होता है, 7 दिन जो होते हैं उनमें कोई एक ही आ सकता है, ठीक है। तो बोला 53 मंडे बताओ, देखो 52 तो सारी होते हैं, मतलब अगर हमारे पास नॉन लीप ईयर है, 365 डेज है, तो नॉन लीप ईयर हो चाहे कुछ भी हो, चाहे लीप ईयर का क्वेश्चन हो चाहे नॉन लीप ईयर का क्वेश्चन हो, दोनों में ही 52 संडे 52 मंडे सब होते हैं,
जो मेन कहानी है वो 53 की है, यानी एक दिन जो एक्स्ट्रा उसमें क्या आएगा, ठीक है। तो बोला 53 मंडे की बताओ प्रोबेबिलिटी। तो हमें पता यार मेरे पास एक दिन एक्स्ट्रा है, एक दिन एक्स्ट्रा है मेरे पास, तो इस एक दिन में मंडे की चांसेस जो है वो एक है, और टोटल दिन कितने हैं, 7 हैं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1/7। कहाँ है 1/7, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे टाइप नहीं किया, मैं 1/7 इसको कर देता हूँ। तो इसका आंसर आ गया 1/7, यानी ये हो गया, ठीक है। आई बात समझ में, सॉरी मैंने कहाँ लिख दिया था, एक मिनट, अच्छा ये तो डाइस का क्वेश्चन था, इसमें मैंने कहाँ से कर दिया उसमें है ऑप्शन, ठीक है, ये 1/7, ठीक है। आई बात समझ में, ये आ गया 1/7 क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा है। अच्छा लीप ईयर का क्वेश्चन आएगा, ये लीप ईयर का, इसमें 53 मंडे पूछ रहा है। अच्छा एक चीज और, यहाँ चाहे मंडे पूछे, चाहे ट्यूजडे, चाहे वेडनेसडे, कुछ भी, आंसर एक ही है 1/7। तो जिन बच्चों को समझ में ना आए तो वो 1/7 ठोक के आ जाए नॉन लीप ईयर में, ठीक है, नॉन लीप ईयर में। अगर लीप ईयर का क्वेश्चन आ जाए तो लीप ईयर में तुम्हारे पास 2 दिन एक्स्ट्रा है, देखो 2 दिन एक्स्ट्रा है, जिसमें संडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूजडे। यानी अगर तुमसे कोई पूछे मंडे की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो मंडे देखो संडे मंडे में भी आ सकता है, मंडे ट्यूजडे में भी आ सकता है, यहाँ पे 2 केस हैं, ठीक है। अगर कोई बोले फ्राइडे की बताओ, तो देखो ट्यूजडे फ्राइडे, सॉरी थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, यहाँ पे 2 केस बन रहे हैं, इसलिए इस वाले का जो आंसर होता है लीप ईयर वाले का, वो आंसर होता है 2/7, क्योंकि 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं आपके पास, 2 केस बन जाते हैं। तो यानी फाइनल कंक्लूजन क्या है, कहानी समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो सीधा याद रखो कि अगर पेपर में लीप ईयर का क्वेश्चन आ जाए, चाहे यहाँ मंडे लिखा हो, चाहे ट्यूजडे, चाहे वेडनेसडे, कोई भी दिन का क्वेश्चन आ जाए, आंसर इज 2/7। सिमिलर अगर नॉन लीप ईयर का क्वेश्चन है, चाहे कौन सा कोई सा भी दिन लिखा हो, आंसर इज 1/7। समझ में आई बात, बिल्कुल सिंपल फंडा, नहीं आया समझ में तो शॉर्टकट लगाओ, अदरवाइज समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर कोई भी दिक्कत हुई तो फिर से एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगी सारी कहानी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तो अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो, धन्यवाद।